गर्ल्स हॉस्टल, आखिर इन गर्ल्स हॉस्टल में होता क्या है, आखिर ये करती क्या है इतनी सारी गर्ल्स मिलकर एक साथ। शायद ये उनकी वॉल का कलर पिंक होता है, क्या सच में उनकी बेडशीट पिंक कलर की होती है, क्या सच में उनके हॉस्टल में सब कुछ मेंटेन होता है, क्या सच में उनके परफ्यूम जैसी खुशबू आती है टॉयलेट से, ऐसा बॉयज सोचते हैं। पर ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल्स की जो रियलिटी है वो हमें सीजन 2 में भी देखने को मिल रही है। देखिए हम सीजन 1 में देख चुके हैं ऑलरेडी कि गर्ल्स हॉस्टल्स के अंदर क्या क्या होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है, देखिए हम पहले ही रिचा, मायरा, मिली और जायरा से मिल चुके हैं, पर यहाँ से कहानी को कंटिन्यू किया गया है जहाँ पे रिचा की लाइफ, देखिए पहले उसकी लव लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही थी, और हाँ अब सेक्शुअल लाइफ भी नहीं चल रही उसकी कुछ। अब यहाँ पे जो मिली है वो अलग ही लेवल का सोचने लगी है। देखिए पहले ही उस लड़की के अलग ही लेवल के थॉट्स होते थे, और अब इस सीजन में भी उसके अलग ही लेवल के थॉट्स हैं। हाँ जो के बारे में बोलना पड़ेगा, उसने अपने अंदर की तूफान को शांत किया है और अब एक अलग लड़की बनकर दूसरों के लिए फाइट कर रही है। यहाँ पे जाहिरा की बात करूँ तो हाँ, जाहिरा ने एक स्टेप आगे लिया है और अब वो सच में एक बेटर गर्ल बनकर दिखाना चाहती है। सीजन 2 की शुरुआत होती है हॉस्टल के घिटे पिटे झगड़ों से, जहाँ पे पानी से लेकर हर एक चीज पर लड़कियां झगड़ती आपस में, पर यहाँ पे ना अलग अलग तरीके से स्यापे दिखाए जाते हैं। यहाँ ये हॉस्टल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की लड़ाई दिखाई जाती है। इस बार यूनिवर्सिटी में होने वाले इलेक्शन और सही क्या है और गलत क्या है इसके बीच होने वाली है फाइट। एक तरफ है मेडिकल की टीम और दूसरी तरफ है डेंटल की टीम। अब देखते हैं कौन जीतेगा। अब ये यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना है आखिर इस कॉलेज का विनर कौन होगा, जो डिसाइड करेगा, प्रूफ करेगा अपनी सेल्फ को। चाहे डेंटल की हो सकती है जायरा अली या फिर मेडिकल की हो सकती है मायरा मंत्री, पर जीतेगा जो, कॉलेज बनेगा ही उसका। देखिए अब क्या है, कॉलेज के अलग अलग स्यापे और अलग अलग फंडे और अलग अलग लड़कियों की सोच वो हमें सीरीज में दिखाई गई है। देखिए हम सीजन 1 देखा था हमने, हाँ उसने हमको इम्प्रेस किया था, बट सीजन 2 ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पे मेकर्स की मानेंगे वो एक ऐसे रियलिटी, एक रियल मुद्दे को उठाते हैं ना, दिखाते हैं कि एक्चुअल में कॉलेज में क्या होता है। जब हम अपने कॉलेज जाते थे तो हमारे साथ क्या क्या होता था, भाई इलेक्शन का जो माहौल रहता ना भाई, कि हमें वोट देना है भाई, हमारी पार्टी, ये हमारा बंदा है, इसको ही जिताना है, वो अलग ही लेवल का दिखाते हैं। और जब वहाँ पे वो होता है ना तो लाइक लगता है कि भाई देश में चुनाव होने वाला है और जो प्रेसिडेंट बनेगा वो देश का प्रेसिडेंट बनने वाला है, तो बहुत ही रियलिस्टिक टाइप की दिखाई जाती है। यहाँ पर कुछ तरह अति होती है, जहाँ पर मतलब अलग ही लेवल का दिखाते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हैं हॉस्टल्स के अंदर, और लड़कियाँ इतना भी नहीं होता है जितना उसमें दिखाते हैं। बट हाँ सीरीज अच्छी है, सोनी लिव पर अवेलेबल है, आप इसे वहाँ से देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, शॉर्ट है, तो देखें। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, मेरा रिव्यू कैसा लगा, और हाँ यदि आपको पूरी स्टोरी जाननी है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं इस सीरीज को अपनी तरफ से देती हूँ 5 में से 3.5 स्टार, अच्छी है, आप देखें सोनी लिव पर अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।